हेलो फ्रेंड्स, टीए में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वीडियो बहुत देर बाद आ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही काम का वीडियो है। इसके पहले सेप्टिक टैंक के दो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सेप्टिक टैंक कैसे बनाएं उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अभी मैंने एक टेबल बनाया है और ये टेबल थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना चाहिए। अगर आप सच में प्लान कर रहे हैं अपना कोई घर बनाने का, तो उसमें क्या साइज़ का सेप्टिक टैंक बनाना है इसके बारे में पूरी समझ आपकी डेवलप हो जाएगी। देखिए, जैसा कि पिछला दो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपने पिछले वीडियो अगर देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेप्टिक टैंक का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया होगा, केवल कंस्ट्रक्शन को छोड़कर। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे जाके क्लिक करके पिछला वीडियो आप देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो पे आ जाइएगा, ताकि आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपने देखा है तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। देखिए, सेप्टिक टैंक में एक कॉन्सेप्ट होता है क्लीनिंग इंटरवल का, कि हमें कितने दिनों में सेप्टिक टैंक को साफ करना है। तो मैंने अभी जो यहाँ पर टेबुलेशन किया है उसमें 1 साल और 2 साल का इंटरवल लिया है, क्योंकि अगर आप 3 साल का इंटरवल लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो सकता है और रेजिडेंशियल के लिए इतना बड़ा सेप्टिक टैंक रिकमेंडेड नहीं है। तो आप मान के चलिए कि आप अगर आप चाहें तो 2 साल क्लीनिंग साइकिल के लिए आप ले सकते हैं सेप्टिक टैंक का साइज़। तो सबसे पहले इसमें डिसाइड करना होता है कि आपके यूज़र्स कितने हैं। मैंने डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स के लिए भी ये टेबल बनाया है। 5 यूज़र होगा, 10 यूज़र होगा, 15 होगा, 20 होगा, तो आपको क्या साइज़ लेना चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर जो होते हैं, जो छोटे शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 2 फ्लोर 3 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनती हैं, इसमें कई सारे फ्लैट होते हैं और कई सारे लोग उसमें रहने वाले होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 2 या 3 स्टोरी बिल्डिंग है, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए जाना चाहिए 20 पीपल वाले जो साइजिंग है उसके हिसाब से आपको सेप्टिक टैंक ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि उससे छोटा अगर आप बनाएंगे तो आपको जल्दी जल्दी उसको क्लीन करना पड़ेगा। एनीवे, देखिए, जो लेंथ होती है ना सेप्टिक टैंक की, सबसे कम होती है 1.5 मीटर और सबसे बड़ी जो है वो 2.3 मीटर। कितने के लिए? 20 यूज़र्स के लिए 2.3 मीटर्स, 5 यूज़र्स के लिए 1.5 मीटर्स। अब ब्रेथ जो उसकी, जैसे अगर हम ऊपर से देखें सेप्टिक टैंक को, अगर हम ऊपर से देखें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ। जैसे ये अगर सेप्टिक टैंक है, हम ऊपर से देख रहे हैं प्लान है, तो ये जो हो गई लेंथ हो गई और ये हो गई विड्थ या ब्रेथ हो गई। ठीक है, इसको ब्रेथ भी ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला डायमेंशन जो है 750 लेके 1 मीटर 100 मिलीमीटर तक ये जाता है। अब देखिए, ये मिनिमम जो होता है ना, कम से कम दोगुने से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने जो चौड़ाई है वो लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कम दुगना होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पे देखें 750 है तो इसका लेंथ दुगना है 1.5 मीटर। ये 900 मिलीमीटर है तो इसका लेंथ है 2 मीटर, है ना, लगभग दुगने से थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें भी 900 है तो 2 मीटर है, और ये है 1 मीटर 100 मिलीमीटर है, 1.1 मीटर है, तो इसका है 2.3, थोड़े से दुगने से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर हम 3 टाइम रखें तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 2 टाइम तो आपको मेंटेन करना ही चाहिए। कैमरे में कोई साइन आ रहा है, येलो कलर, पता नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, डेप्थ है यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड डेप्थ। तो लिक्विड डेप्थ का मतलब होता है कि जो भी आपने टैंक बनाया, टैंक में जो लिक्विड जितना रहेगा मैक्सिमम, जहाँ आउटलेट है, आउटलेट से पानी जाएगा, इनलेट से पानी इंटर करेगा, तो जो मैक्सिमम डेप्थ पानी का हो सकता है टैंक में। टैंक तो आपका काफ़ी बड़ा होगा, उसमें फ्री बोर्ड होगा और स्लैब होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट जितना लिक्विड डेप्थ है, जितना लिक्विड उसमें स्टोर हो सकता है, उसका ये डेप्थ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा डेप्थ नहीं है। तो आपका ये है, 1 साल का अगर आपका क्लीनिंग साइकिल अगर आप रखोगे और 20 आदमी के लिए अगर आप टैंक बना रहे हो तो 1.3 मीटर्स की डेप्थ होनी चाहिए, और अगर आप 2 साल का रखते हो तो 1.8 मीटर।
अब 1.8 मीटर कितना होता है, एक इंसान के हाइट के बराबर होता है लगभग। 1.8 मीटर जो होता है, एक जैसे मेरी हाइट है 175, तो 1.8 मेरी हाइट के बराबर या थोड़ा सा 5-10 मिलीमीटर ज़्यादा होगा। तो अगर आप जैसे इससे भी ज़्यादा यूजर्स के लिए बनाओगे तो वो डेप्थ जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डेप्थ ज़्यादा बढ़ने से थोड़ा सा वो रिस्की हो जाता है, कोई इसमें गिर जाए, ये हो जाए, तो जान का खतरा हो सकता है। इसीलिए रेजिडेंशियल सेक्शन में अनअटेंडेंट में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इससे ज़्यादा बड़ा सेप्टिक टैंक बनाइए। लेकिन मेरे ख्याल से आपका काम इससे चल जाएगा, 20 यूजर्स के लिए बनाइए, 2 ईयर्स क्लीनिंग पीरियड के लिए, तो आपके पास 2.3 मीटर और 1.1, इसको आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, जैसा भी जगह आपका अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है उसको देख लीजिए, लंबाई चौड़ाई कितनी है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इन दोनों, जैसे आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा जगह है तो आप 2.3 की जगह 2.5 मीटर रख लीजिए, 2.6 रख लीजिए, इसको भी थोड़ा उसी हिसाब से 1.2 रख लीजिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए। ये जैसे 1.8 मीटर है तो इसको 1.9 रख लीजिए, तो ऐसे आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत बड़ा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन मत करिएगा, अदरवाइज आपका सेप्टिक टैंक फेल हो सकता है। क्योंकि ये जो डेटा मैंने दिया है, ये मैंने IS कोड का डेटा दिया है, काफ़ी रिसर्च से ये डेटा सारे डेवलप हुए हैं, तो इन्हीं के आसपास आप अपना सेप्टिक टैंक का साइज़ रखिए। मैं एक बार ये टेबल पढ़ देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये हो जाए। देखिए, अगर आप 5 यूजर्स के लिए सेप्टिक टैंक बनाना चाहते हैं तो लेंथ रखिए 1.5 मीटर, ब्रेथ रखिए 750 और डेप्थ रखिए 1 ईयर क्लीनिंग के लिए 1 मीटर, और 2 ईयर क्लीनिंग के लिए यानी 2 साल में क्लीन करना चाहते हैं तो 1 मीटर 50 मिलीमीटर। उसी तरह अगर 10% के लिए है तो लेंथ होगा 2 मीटर, ब्रेथ होगा 900 मिलीमीटर, डेप्थ 1 मीटर और 1.4 मीटर। उसी तरह अगर 15 के लिए है तो 2.9 यानी 2 मीटर, 900 मिलीमीटर, 1.3 और 2। और 20 यूजर्स के लिए रिकमेंडेड है तो 20 यूजर्स के लिए आपका 2.3 मीटर की लेंथ, 1.1 मीटर की ब्रेथ, 1.3 मीटर की डेप्थ, या अगर 2 साल के लिए तो 1.8 मीटर की डेप्थ होनी चाहिए। तो ये तो हो गई साइजिंग के बारे में, लेकिन कंस्ट्रक्शन डिटेल्स क्या होंगी, कितने थिकनेस की वॉल होगी, कितने चेंबर होंगे, कहाँ पे पाइप लगेगा, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ। हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको ड्राइंग में सब कुछ एक एक चीज़ें क्लियर करके समझाऊँगा, और उसके बाद आपके, और मैं वो ड्राइंग आपको PDF दे भी दूँगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करिए। उसमें सारा जितना भी कंपोनेंट उसमें लगने हैं सारा का डिटेल उसमें दिया है, और जो जो बारीक बातें जो मैं आपको बताऊंगा उनका पूरा ख्याल रखिए, अदरवाइज आपका टैंक जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो यही ड्राइंग है, जिस ड्राइंग के हिसाब से आप चाहें तो आप सेप्टिक टैंक को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इस ड्राइंग के बारे में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये ड्राइंग क्या है। देखिए, ये ड्राइंग जो है ये है, अगर आप ऊपर से टैंक को देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, और इसमें जो B और L है ये आपको इस टेबल से लेने हैं। तो जैसा कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको बनाना चाहिए 20% के लिए, तो अगर आप 20% के लिए आप अगर सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो आपका जो L है, L होगा 2.3 मीटर्स और B होगा 1.1 मीटर्स का। और उसी तरह जो डेप्थ ऑफ वाटर लेवल है वो D होगा आपका 1.3 मीटर्स का। और अगर आप 2 साल के लिए क्लीनिंग देख रहे हैं तो उसको आपको रखना है 1.8 मीटर्स। तो आप, वो आपको डिसाइड करना है कि आप 1 साल का क्लीनिंग साइकिल रखेंगे कि 2 साल का क्लीनिंग साइकिल रखेंगे। मेरे ख्याल से 2 साल का रखिए, थोड़ा सा गहरा बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है बेसिकली, उसको आप यहाँ से लेना है। और आपको जो ये वॉल है, वॉल की थिकनेस रखनी है 230 मिलीमीटर। तो जो आप एक्सकवेशन करेंगे सेप्टिक टैंक बनाने के लिए, तो आपको थोड़ा सा स्पेस लेके थोड़ा ज़्यादा, आधा आधा मीटर चारों तरफ ज़्यादा खोदना पड़ेगा। तो जो खोदाई की साइज़ होगी अगर हम ऊपर से देखें तो वो साइज़ हो जाएगी आपकी, आपका ये हो गया ब्रेथ अगर हम ले रहे हैं 1.1 मीटर का ये, और 2 वॉल आग की थिकनेस आ जाएगी, यानी 230 + 230 460 mm, और प्लस आधा मीटर इधर और आधा मीटर इधर, यानी 1 मीटर। तो 1 मीटर 460 और प्लस 1 मीटर, एक तो 2 मीटर 560। तो ये जो आपकी खुदाई की जो विड्थ आएगी वो आएगी 2 मीटर 560, 2.56।
और उसी तरह लंबाई लंबाई कितनी आ जाएगी, अगर लंबाई की बात करें तो सीधे 2.3 में 1.46 को ऐड कर देंगे, तो 2.3 प्लस 1.46, इसको अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप जोड़ लीजिए 3.76 मीटर्स, ये सारे मीटर में है। तो ये आपको खुदाई करनी पड़ेगी, और कितना गहरा खुदाई करना पड़ेगा ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका जो लेटरिन रूम है या जो आपका WC जहाँ आपने बनाया है वो कितना दूरी पे है, उस हिसाब से आपका ये जो वाटर, ये जो गहराई है उस हिसाब से डिसाइड होगी। इसलिए मैं गहराई के बारे में अभी नहीं बताता हूँ आपको, मैं ये एक बता देता हूँ कि जहाँ भी आपका ये है, आपका जहाँ भी WC है वहाँ से जो आप पाइप लेके आओगे, वो पाइप जो है वो कम से कम 1/100 का, 1:100 का या 1:150 का, बेटर है कि 1:100 का स्लोप रखिए। 1:100 का अगर आप स्लोप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से जो यहाँ पाइप आप जो कनेक्ट करोगे उसमें जो स्लोप होना चाहिए, दैट स्लोप शुड बी 1:100 का। तो मैं लिख देता हूँ आपको, अच्छा रहेगा, 1:100 का स्लोप डाल दीजिए, 1:100 स्लोप। अब 1:100 का स्लोप निकालते कैसे हैं, मान लीजिए कि इस टैंक से आपका WC का दूरी 10 मीटर है, तो 1:100 कहने का मतलब है कि 100 मीटर में 1 मीटर डाउन जाना है, तो 10 मीटर में कितना होगा, 1/10 मीटर यानी 100 मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर आप जो है ये जो है ये पाइप जो है डाउन हो जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए 3 फीट ऊपर आपने ग्राउंड के ऊपर रखा है, और 100 मिलीमीटर मतलब क्या हो जाता है, करीब करीब 4 इंच, 4 इंच का मतलब 4 इंच होगा। तो यहाँ पे अगर 3 फीट रखा है तो इसकी जो हाइट होगी वो 3 फीट से 4 इंच कम हो जाएगा, यानी 2 फीट 8 इंच, तो ये रहेगा 2 फीट 8 इंच पे। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा, तो इतना थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा और उस हिसाब से इसी पाइप को ले करना है। और ये ध्यान रखिए कि ये जो पानी से जहाँ भी वाटर मैक्सिमम वाटर लेवल है उसी लेवल में आपका आउटलेट का लेवल रखना है। तो आउटलेट का लेवल से और जो ये गहराई हो डी हो पूरा पूरा उतना मिलना चाहिए, ये टोटल गहराई से मतलब नहीं है हमारा। और यहाँ पे जो वाटर टेबल से ऊपर 300 mm एक्स्ट्रा रखना है, तो टोटल अगर टैंक की गहराई की बात करें तो कितनी हो जाएगी, डी प्लस 0.3। तो यहाँ पे डी अगर हम 1.8 ले रहे हैं तो 1.8 प्लस 0.3 तो ये हो जाएगा 2.1 मीटर। इसलिए कन्फ्यूज ये नहीं होइएगा कि ये आपका पूरा गहराई की बात कर रहा हूँ। अब कंस्ट्रक्शन में जो वॉल की थिकनेस है 230 मिलीमीटर का ब्रिक रखना है, बाकी डिटेल्स इसमें लिखी हुई है। 12 mm का आपको प्लास्टर करके उसके ऊपर पनिंग कर देना है, पनिंग मतलब जो सीमेंट डाल के पूरा चिकना कर देते हैं, तो प्लास्टर विथ पनिंग करना है। तो 12 mm थिक सीमेंट मोर्टार फिनिश है, ये डालना है आपको। और नीचे जो है PCC डालना है, बेस्ट बेटर होगा कि आप RCC डालें, उसमें एक नॉमिनल सरिया 8 mm का 250 CT स्वीप है नीचे डाल दें, और इसकी थिकनेस जो रखें वो रखें आप 125 थिक, 125 थिकनेस का नीचे एक स्लैब बनाएं और स्लैब के ऊपर आप अपना कंस्ट्रक्शन करें। तो ये है। और उसके बाद जो आपका टॉप स्लैब होगा वो भी 100 mm थिक रखिए, उसमें 8 डाया का 200 C2C का बार रखिए, और इसमें एक मैन होल का जरूर प्रोविज़न रखिए ताकि कभी कोई ज़रूरत पड़ गया तो उसके अंदर कोई किसी को अंदर जाना है। तो ये देखिए हमने इसमें दिखाया हुआ है, ये हमने मैन होल छोड़ा है। मैन होल का साइज जो होता है करीब करीब 600 × 600 होता है, 2 फीट × 2 फीट, अगर फीट में बात करें 600 × 600 का मैन होल होगा। मैन होल है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, कभी साफ़ सफाई करनी हो, ऐसे तो आजकल पाइप डाल के साफ़ सफाई हो जाती है, लेकिन अगर कोई कुछ भी ज़रूरत पड़ गया बाद में तो तोड़ फोड़ ना करना पड़े, बेटर है आप उसमें मैन होल प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका मैन होल। अब इसमें जो हमने ऊपर जो स्पेस छोड़ा है वो किसके लिए छोड़ा है, लाइटर मटेरियल जो पानी में आएगा, ग्रीस ऑयल जो होगा वो स्कम होगा, ये ऊपर क्या होगा भरता रहेगा, उसके लिए हम स्पेस देते हैं। इसमें विशेष जो ध्यान रखने वाली बात है, जो हमारा आउटलेट है वो पानी के अंदर 300 mm ज़रूर जाना चाहिए, वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सेप्टिक टैंक का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेशन के सेटअप में रहते हैं। अगर आपने इसको अंदर नहीं डाला
तो क्या होगा, ये ऐसे गिरेगा ना पानी, देखिए आपका यहाँ से आएगा और ऐसे करके इस तरह से गिरेगा, इस तरह से जो फ्री फॉल होगा तो क्या करेगा, इस पानी को डिस्टर्ब कर देगा। तो डिस्टर्बेंस होने से बैक्टीरिया का जो डाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा और आपका सेप्टिक टैंक का परफॉर्मेंस बेटर नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप, ये क्या होगा, साइलेंटली धीरे से आएगा मटेरियल जो है ये अंदर चला जाएगा। उसी तरह आउटलेट में भी, तो ये तो फिगर है, कम से कम 300 रखना है, ये ध्यान रखिए, ये 300 जो इसमें लिखा हुआ है 300 अंदर रखना है। लेकिन जो आउटलेट वाला जो है उसमें जो पाइप जो होगा वो अंदर कितना जाएगा, ये जाएगा 130 D/3 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर D हमने लिया है 1.8, तो D/3 कितना होगा, 1800/3, यानी ये करीब करीब इस केस में 600 mm यानी 2 feet होना चाहिए। तो ये 2 feet पानी के अंदर होना चाहिए ताकि जो पानी निकले उसका पाथ कैसा हो, वो अंदर से ऐसे करके निकले, क्लीनर वाटर। अगर आप यहाँ पे ऐसे खोल देंगे तो क्या होगा, सारा स्कम और कई बार कई मटेरियल भी बाहर निकल जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। अब देखिए, अगर आप इसको सीवर सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हैं, आउटलेट को, ये है हो गया आपका आउटलेट, अगर आपको इसको सीवर सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हैं तब तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी बाहर निकल जाता है तो वो फिर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, वो ट्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सॉकपिट में डाल रहे हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि सॉकपिट आपका ख़राब हो सकता है। सॉकपिट का पानी कहाँ जाता है, वाटर टेबल में जाके मिक्स होता है और वो छनते छनते ग्राउंड में जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा गंदा चीज़ उसमें डालेंगे तो वो आपके, एक तो पीने का पानी भी ख़राब कर सकता है और दूसरा है वो जल्दी चौक भी हो सकता है। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं वो दी हुई हैं, देनी होनी चाहिए। और जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि सेप्टिक टैंक के बीच में पार्टीशन होता है, तो अगर आप इसको सॉकपिट से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये पार्टीशन देना, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक पार्टीशन भी डाल दीजिए। पार्टीशन डालने से आपका सेप्टिक टैंक के वॉल भी मजबूत हो जाते हैं और दूसरा ये फ़ायदा ये होता है कि पार्टीशन डालने से आपका जो आउटलेट का वाटर होता है वो ज़्यादा क्लीन रहता है। तो सॉकपिट में उसके अंदर जो डिस्पोजल का, जो सॉकपिट के थ्रू, वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। यहाँ बीच में एक होल दे दीजिए ताकि नाइट सॉइल जो है या जो सॉइल स्लज जो है डाइजेशन के बाद पूरे टैंक में फैल सके। तो अगर आप सॉकपिट में पानी, आउटलेट का पानी डाल रहे हैं तो बीच में एक डिवाइडर वाल जरूर डालिए, अच्छा रहेगा। ऐसे फंक्शनिंग के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना डाले भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक वेंट पाइप डालना चाहिए था, जानना चाहिए, वेंटिलेटिंग पाइप, 50 mm डाया का PVC पाइप आराम से डाल सकते हैं। और ये आजकल सारे ये जो इनलेट पाइप होते हैं ये सारे 100 mm के PVC पाइप होते हैं, स्पेशल आते हैं। आप जब दुकान में जाएंगे तो वो आपको स्पेशली मेड इस पर्पस के लिए, सेप्टिक टैंक के पर्पस के लिए जो पाइप है वो आपको दे देंगे। मैं ज़्यादा स्पेसिफिकेशन पे नहीं जाना चाहता ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ये चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको अंदर रखनी है ये ध्यान रखिए कि ये पाइप जो है ज़रूर अंदर रहे दोनों तरफ। और इस तरह से अगर आप सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो आपका सेप्टिक टैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और बहुत ही आपका जो भी इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा क्लीन और बढ़िया रहेगा। तो सेप्टिक टैंक के इस ड्राइंग के बारे में इतना ही। बाकी अगर इस ड्राइंग का आप विशेष रूप से बहुत सारे तरह से, यह टेबल भी मैंने इसमें डाला हुआ है, तो इस टेबल के हिसाब से आप अपने सेप्टिक टैंक को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का और भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी मदद करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लूंगा इस कंसल्टेंसी सर्विसेज का। तो चलिए अभी चलते हैं हम क्लासरूम में और आगे की बातें जारी रखते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ड्राइंग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और डिस्क्रिप्शन में जाके उस ड्राइंग को डाउनलोड करिए और अपने हिसाब से, अपने पर्पसेस के लिए उसको आराम से इस्तेमाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से सेप्टिक टैंक बनाइए और जो हमारे जो स्वच्छ इंडिया है, स्वच्छ भारत है, उसका सपना साकार करने में मदद कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसी तरह से कोई कंस्ट्रक्शन टिप्स लेके मैं ज़रूर आऊँगा, ताकि आपको, अगर आप अपना कोई पर्सनल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल भी कर रहे हैं, तो आपको एक इंजीनियरिंग सहूलियत मिल सके। आप चाहें तो कोई भी इंजीनियरिंग गाइडलाइन चाहिए, कोई सलाह चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने समस्याओं को, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।